क्या हाल है आपका? ठीक है ठीक है। आज आपका दिन हम मना रहे हैं, मजा आ रहा है आपको? सही मजा आया। सही मजा आया जी। आज आप नारे सही लगा रहे थे, लगा के दिखाए ना वो फ्री फिलिस्तीन वाला। फिलिस्तीन वाला नहीं आता अभी तो, लगा रहे थे इतना ऊंचा ऊंचा। फ्री फिलिस्तीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मारे रिप्लाई करे आपसे, कह रहे हैं कि आप हमसे प्यार करें और हम आपसे प्यार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाज़रीन, आज माजूर लोगों का आलमी दिन है, इसी मौका पर यंग मुस्लिम स्कूल सिस्टम की तरफ से आज वाक एंड में माजूर बच्चों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक जो है रैली का इनेकाद किया गया। इसी सिलसिले में जो है मेरे साथ मौजूद है एक प्यारा सा बच्चा, इससे हम बात करेंगे। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। पक्की बात है? ठीक हो? पक्की बात है। आपको पता है आज आपका दिन है, कैसा लग रहा है? ठीक। मज़ा आ रहा है? आ रहा है। क्या कहना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मारे रिप्लाई करे आपसे, कह रहे हैं कि आप हमसे प्यार करें और हम आपसे प्यार करेंगे। बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे इसका बड़ा अच्छा लगता है। पहले भी आपके साथ मैंने एक वीडियो बनाई, पता है लोगों ने कितना प्यार किया? लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा बच्चा है। पता है। बोल दो, फिर बोल दो आई लव यू। आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है ठीक है। आज आपका दिन हम मना रहे हैं, मजा आ रहा है आपको? सही मजा आया। सही मजा आया जी। आज आप नारे सही लगा रहे थे, लगा के दिखाए ना वो फ्री फिलिस्तीन वाला। फिलिस्तीन वाला नहीं आता अभी तो, लगा रहे थे इतना ऊंचा ऊंचा। फ्री फिलिस्तीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ क्या इशू है? मेरे साथ नज़र का इशू, नज़र थोड़ी कम है, भी वीक है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज हम आप लोगों का आलमी दिन मना रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि अच्छा लग रहा है, सब बड़े घुलने मिलने वाले, सब बहुत प्यार करने वाले। और मेरी यही अपील है सबसे कि जो नॉर्मल बच्चे नहीं होते, जो थोड़े स्पेशल होते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो जो आवाम है, नॉर्मल आवाम है, उनके साथ तआवुन किया करें हर काम में, एजुकेशन में और नॉर्मल इदारों में, हर जगह। आज आपका स्पेशल दिन है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी जी। मज़ा आ रहा है जी जी, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या कहना चाहोगे लोगों को? यही मैं पब्लिक को कहना चाहता हूँ, यही यही आप हमें, हम आपसे प्यार करते हैं और आप हमसे प्यार करें। प्यार करें, आपने उस वाला जुमला रिपीट कर दिया है, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगी? आज आपका आलमी दिन है, आपका आज जो है ना लोग आपकी वजह से खुशियां मना रहे हैं, आपकी कैसे जज्बात है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी लोगों को? सब लोग है कि हम बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ क्या इशू है? जी मैं विलियम पेड हूँ। अच्छा अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज जो खसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है इस बारे में? जी जी, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के हवाले से हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि डिसेबिलिटी का राग लापा जाता है और हर जगह पे डिसेबल कहा जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बच्चे और ये डिसेबिलिटी नहीं, बल्कि ये डिफरेंटली एबल हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी के हर मैदान में ये अपना लोहा मनवा रहे हैं। ये बच्चे हैं, ये एजुकेशन भी ले रहे हैं, ये टेक्निकल काम भी कर रहे हैं और मुल्क के पाकिस्तान की हर तरह से खिदमत दे रहे हैं। जज भी हैं, लायर भी हैं, टेलीफोन ऑपरेटिंग भी हैं, टीचिंग के शोबे में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और हर जगह ये अपनी खदमात अंजाम। लिहाजा मेरी ये से आप क्या कहना चाहेंगे, आपके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? जी गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए कि ऑलरेडी हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं फेंक सकते। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज के अंदर रहकर हर तरह की काविशें तो कर रही है, लेकिन पॉलिसीज़ का ऐसा कुछ फुकदान है कि उसमें कोटा सिस्टम भी है लेकिन उस पे ऊपर पूरा अमल दरामद नहीं किया जा सकता। लिहाजा आज के दिन हमारी ये अपील है कि गवर्नमेंट जो है डिसेबल को माशरे का ही मुनासिब बराबर हैसियत दे और बच्चों की तरबियत में जो है वो मुनासिब जो है कानून किया जाए, कानून अप्लाई किया जाए, ताकि ये बच्चे भी पाकिस्तान का नाम उसी तरह रोशन कर सके जिस तरह के एक आम बच्चे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अली वेलफेयर सोसाइटी, जो कि एक मुनफरिद सोसाइटी है, जो पिछले 10 साल से वाहकेंट और इसकी वेसिनिटी में ख़ास तौर पे स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रही है, और
इसके तहत दो प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं, जिसमें एक यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है और एक दूसरा इदारा जो हमने रिसेंटली अभी शुरू किया है अलिफ वेलफेयर सोसाइटी ने, सेवन सेंसेस चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, उन दोनों को डायरेक्ट भी मैं कर रही हूँ। और ये दोनों इदारे भी अपनी नियत से मुनफरिद हैं वाकेंट के अंदर। मैम आपका, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रात दिन आप इनकी खिदमत में मसरूफ़ रहती हैं, तो क्या क्या जज्बा होता है और क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप लोग इनकी खिदमत कर रहे हो? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये देखें, एक बच्चा यतीम भी है और वो स्पेशल भी है, एक बच्चा नॉन अफोर्डिंग है और वो स्पेशल है, तो उसको बताएं वो कहाँ जाएगा। तो मैं इस जज्बे से काम करना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह वाकेंट के अंदर भी कोई किसी चौराहे पे कोई माजूर ना बैठा हो। तो नाज़रीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।